is interference of light. Before we do that fraction of light interference, थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए. We did Young's double slit experiment, YDSE, जिसमें उसने दो slits ली and he illuminated both the slits with the same source of light. Those slits they started emitting coherent waves. ठीक है, बिल्कुल एक जैसी waves जिनका same phase, same wavelength और same frequency थी. ऐसे sources जो हैं, for example to laser lights, they can produce interference pattern. But when we have a single slit, एक ही स्लिट होगी तो उसको हम डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे. बेसिकली डायफ्रेक्शन होता क्या है वो आप देखना. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शेयर अ सिमुलेटर विद यू वेयर यू विल हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम शोइंग यू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. ये देखिए, देयर आर टू लेजर लाइट्स हियर. ठीक है, दो लेजर लाइट्स हैं और एक को ऑन करते हैं. ये देखिए क्रेस्ट एंड ट्रफ कैसे जा रही है आगे, और दूसरे को ऑन करते हैं. ये देखिए, उससे भी क्रेस्ट एंड ट्रफ जनरेट हो गए एंड सुपरपोजिशन इज टेकिंग प्लेस. यू कैन सी ऑन एंड ऑन, समवेयर कंस्ट्रक्टिव समवेयर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन इज टेकिंग प्लेस. सो दिस इज गिविंग राइज टू इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन. तो ऐसे इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होगा स्क्रीन के ऊपर. ये देखिए, हम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेज इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं यूजिंग दिस. ठीक है, और ये स्क्रीन है. ये देखिए, अब स्क्रीन बन गई. स्क्रीन के ऊपर अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट पैचेस ऑफ लाइट नजर आ रहे हैं. यहाँ पे राइट नाउ हमने ग्रीन लाइट ली हुई है. इफ वी टेक रेड लाइट, यू कैन सी द पैटर्न इवन देन. दिस इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस पैचेस ऑफ लाइट आर सीन. सो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द देम इज डिक्रीज्ड, आप देखना आप नंबर ऑफ फ्रिंजेस इंक्रीज हुए कि डिक्रीज हुए. हमने स्मॉल डी को कम कर दिया तो देखिए थोड़े से पैटर्न्स जो हैं वो कम हो गए, नंबर ऑफ पैटर्न्स. और जब डिस्टेंस ज्यादा कर दिया तो कितने फ्रिंजेस कितने पैचेस ऑफ लाइट नजर आ रहे हैं अब काउंट करना आप. अब ज्यादा आ रहे हैं आपको, अब 5 नजर आ रहे हैं, पहले 3 नजर आ रहे थे. सो द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स ऑल्सो मैटर्स अलॉट. ठीक है, फिर ये दो स्लिट्स ले ली हमने. वी कैन ऑल्सो हैव वन स्लिट. लेट्स हैव टू स्लिट. ये दो स्लिट्स है ना, एक ये है ओपनिंग, एक दूसरी है. तो देखिए ये लाइट एंटर कर रही है एंड अगेन दिस वे ऑल्सो पैटर्न इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. And if we have only one slit, then see what happens. ये one slit है. These are two slits. So superposition is taking place here. So we are now going to study diffraction of light. Diffraction of light का एक बहुत ही common example है. Suppose you are sitting in a room. ठीक है? In a room, there is a partition. The height of the room is 10 meter. Ceiling जो है वो 10 meter की height पे, पर जो partition है वो 7 meter की height पे ही है. मतलब ऊपर थोड़ा space जो है वो open है. Some children are sitting on one side of partition, some are sitting on other side of partition. So will they be able to see each other? No, they won't be able to see each other. Will they be able to talk to each other? Yes, they will be able to talk to each other. Because light can't bend around the corners of obstacle. ये जो partition है ये kind की एक kind of obstacle है. तो जब light है उस obstacle के around bend नहीं कर सकती है macroscopic scale पे, यहाँ पे when the dimensions are very very large. But diffraction of sound can take place on macroscopic scale also. The sound is bending around the corners of that partition and is reaching the other side also. So students are able to converse, but they are not able to see each other. Okay? So diffraction hoti kya hai? It is the bending of light around the corners of an obstacle and spreading of light into the region of geometrical shadow. Matlab aise region mein light chali jati hai jahan pe otherwise geometrically uska jana possible nahi hai. Theek hai? This is called diffraction of
light. I give you one example. ये देखिए, this is one obstacle in the path of light. This is source of light. तो ये screen पड़ी हुई, this is screen. अब geometrically light जो है वो किस रीजन में जाएगी? ज्योमेट्रिकली लाइट जो है इतने रीजन में होनी चाहिए, लाइट जो है वो इतने रीजन में एक्चुअली जानी चाहिए. दिस शुड बी रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो. दोनों साइड्स पे ज्योमेट्रिकली शेडो होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल अ टॉर्च लाइट इफ यू आर हैविंग, ठीक है, मतलब यहाँ ऑब्स्टेकल है तो ये शेडो का रीजन है, ये वाला शेडो का रीजन है और साइडों पे लाइट होनी चाहिए. ऑब्स्टेकल ने इतने रीजन की लाइट ब्लॉक कर दी और साइड पे लाइट होनी चाहिए. बट अकॉर्डिंग टू डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट सम बेंडिंग टेक्स प्लेस अराउंड द कॉर्नर्स एंड सम लाइट स्प्रेड्स इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो ऑल्सो. तो यहाँ पे भी कुछ लाइट एंटर कर जाती है. जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं ज्योमेट्रिकली उतने रीजन में शेडो नहीं होती. लाइट उस रीजन में भी अगर चली जाए आफ्टर बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल, दिस इज कॉल्ड डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट. तो लिखे डेफिनेशन डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट की, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड, डायफ्रेक्शन मीन बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल. बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो. बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो, दैट इज कॉल्ड डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट. इसका दूसरा केस भी हो सकता था कि यहाँ पे ओपनिंग है, ये स्लिट है, ठीक है, दिस इज अ स्लिट. तो स्लिट भी हो सकती है, ऑब्स्टेकल भी हो सकती है. तो इफ दिस इज स्लिट तो लाइट जो है ज्योमेट्रिकली इतने रीजन में अब शेडो होनी चाहिए, इतने रीजन में लाइट आनी चाहिए, जैसे कि टॉर्च है. बट सम लाइट बेंड्स अराउंड द कॉर्नर्स एंड गोज इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो. तो जितना आप लाइट का एरिया एक्सपेक्ट करते हो उससे ज्यादा एरिया में थोड़ी लाइट होगी, बिकॉज लाइट हैज बेंट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल. ठीक है, नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ डायफ्रेक्शन फ्रॉम आवर डेली लाइफ. ल्यूमिनस बॉर्डर अराउंड द प्रोफाइल ऑफ अ माउंटेन ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज. सनसेट सनराइज टाइम पे जब आप माउंटेन की तरफ देखते हो तो उसके प्रोफाइल के अराउंड एक ल्यूमिनस बॉर्डर नजर आता है, दैट इज ड्यू टू डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, तो लिख लो ये एग्जाम्पल, ल्यूमिनस बॉर्डर अराउंड द प्रोफाइल ऑफ अ माउंटेन एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज. ठीक है, अनदर एग्जाम्पल, लुकिंग एट अ सोर्स ऑफ लाइट विद पार्शली क्लोज्ड आईलिड्स. ऐसे करके अगर आप सन की तरफ देखो या ट्यूबलाइट की तरफ देखो तो आपकी जो आई लैशेज हैं दे विल एक्ट लाइक स्लिट. वो एक स्लिट का काम करेंगी, स्लिट का काम करेंगी. और क्योंकि व्हाइट लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, तो कलरफुल पैटर्न आपको कलर्स दिखेंगे. सो इफ यू लुक एट द सोर्स ऑफ लाइट विद पार्शली क्लोज्ड आईलिड्स you will see a colorful pattern, that pattern will be diffraction of light. ठीक है, वो pattern कौन सा होगा? Diffraction of light. तो like interference आपको इसमें दो नहीं एक ही slit चाहिए. और इसका एक बहुत ही best way है घर पे करने का experiment को, you take one blade, उसके दो halves कर लीजिए. ठीक है, उसके जो दो halves हैं अगर उनमें ब्लेड अगर परपेंडिकुलर जाता है उतनी स्लिट छोड़ के आप उसके हाफ्स को टेप कर दो तो यू विल हैव अ वेरी फाइन स्लिट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एमएम. उसके ऊपर आप टॉय लेजर लाइट डालोगे और डार्क में ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको पैटर्न नजर आएगा. ठीक है, आपको पैचेस ऑफ लाइट नजर आएंगे जो डायफ्रेक्शन पैटर्न होगा. सो यू कैन परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट एट होम ऑल्सो.
ओके आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द एग्जाम्पल्स. तो एक एग्जाम्पल हो गया ल्यूमिनस बॉर्डर अराउंड द प्रोफाइल ऑफ अ माउंटेन लुकिंग एट अ सोर्स ऑफ लाइट विद पार्शली क्लोज्ड आईलिड्स. थर्ड एग्जाम्पल आप लिख सकते हो द ब्राइट स्पॉट एट द सेंटर ऑफ शेडो ऑफ अ कॉइन विच इज केप्ट इन द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट इज ऑल्सो ड्यू टू डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट. ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है. देखिए कैसे है ये कि देर इज अ कॉइन, एक कॉइन है, आपने इसको लाइट के पाथ में रख दिया, लाइट के पाथ में रख दिया. दिस इज द स्क्रीन वेयर शेडो ऑफ द कॉइन इज सीन. तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री हमें इस सारे के सारी शेडो दिखनी चाहिए. यहाँ पे स्क्रीन पे हमें कॉइन जितनी शेडो दिखनी चाहिए. बट सम बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल एंड वी सी अ ब्राइट स्पॉट इन द सेंटर ऑफ दिस शेडो. सो दिस ब्राइट स्पॉट दैट इज सीन इन द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो, जहां पे हम ज्योमेट्रिकली शेडो एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां पे भी लाइट कैसे आ गई, बिकॉज सम लाइट हैज बेंट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल. So this is also an example of diffraction of light. Light has bent around the corners of this coin and has gone into the region of geometrical shadow. ठीक है, अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा. Next example diffraction of light का, वही blade वाला आप दे सकते हो using toy laser light. Now there are two types of diffraction of light. Before that there is one condition also. One condition for diffraction of light, that size of obstacle. अब obstacle भी हो सकती है, opening भी हो सकती है, slit भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती है, slit और obstacle. Size of obstacle or opening should be of the order of wavelength of light used. ये लिख लीजिए. What is the condition for diffraction? Interference की condition क्या थी? Sources must be coherent. उसके लिए ये condition थी. डायफ्रेक्शन की कंडीशन ये है, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल शुड बी एटलीस्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट. कम से कम लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर की होनी चाहिए. तो इसीलिए जब वो पार्टीशन के का केस था तो व्हाई द चिल्ड्रन वर नॉट एबल टू सी ईच अदर ऑन बोथ साइड, बिकॉज दिस कंडीशन वॉज नॉट बीइंग मेट ऑन द मैक्रोस्कोपिक स्केल. हमारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्स्टेकल का साइज है वो इतना बड़ा है कि लाइट की वेवलेंथ से भी बहुत ज्यादा है, वो उस ऑर्डर का नहीं है. सो दैट्स व्हाई ऑन आवर मैक्रोस्कोपिक स्केल डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट इज नॉट टेकिंग प्लेस. बट क्योंकि साउंड की वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए साउंड की डायफ्रेक्शन हो रही है, लाइट की नहीं हो रही. सो प्लीज नोट डाउन दिस कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाई द चिल्ड्रन आर एबल टू सी, नॉट एबल टू सी ईच अदर बट आर एबल टू कन्वर्स विद ईच अदर व्हेन देयर इज अ पार्टीशन इन अ रूम. तो उसका आप यही बताओगे, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट इज नॉट पॉसिबल हियर बट डायफ्रेक्शन ऑफ साउंड इज पॉसिबल. ठीक है, तो ये रीजन है उसका. इज दैट क्लियर? ओके, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट. देर आर टू टाइप्स ऑफ डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट. फ्रेनल्स डायफ्रेक्शन, एस साइलेंट होता है इसमें, फ्रेनल्स डायफ्रेक्शन एंड फ्राउनहोफर डायफ्रेक्शन. फ्रेनल्स डायफ्रेक्शन एंड फ्राउनहोफर डायफ्रेक्शन. फ्रेनल्स डायफ्रेक्शन मींस व्हेन द सोर्स एंड स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंसेस फ्रॉम द स्लिट और ऑब्स्टेकल. जब सोर्स और स्क्रीन पास में ही पड़े हैं, फाइनाइट डिस्टेंस पे पड़े हैं, जैसे कि ये वाले दो डायग्राम, यहाँ पे सोर्स भी आपको पास में पड़ा हुआ दिख रहा है और स्क्रीन भी पास में पड़ी हुई दिख रही है. बट फ्राउनहोफर वो टाइप ऑफ डायफ्रेक्शन है जिसमें सोर्स एंड स्क्रीन बोथ आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंसेस फ्रॉम द स्लिट और स्क्रीन, स्लिट और ऑब्स्टेकल. ठीक है, तो लिख लीजिए डेफिनेशन ऑफ फ्रेनल्स डायफ्रेक्शन. इट्स अ टाइप ऑफ डायफ्रेक्शन इन विच सोर्स एंड स्क्रीन are at finite distances. Source and screen are at finite distances from the slit. Source and screen are at finite distances from the slit.
जैसे कि ये वाले दोनों डायग्राम्स, ये एग्जांपल है फ्रेनल डायफ्रेक्शन के। अब लिखिए फ्रॉनहोफर डायफ्रेक्शन, इन विच सोर्स एंड स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंसेस फ्रॉम द स्लिट, मतलब वो इंफिनिटी पे हैं, बहुत दूर पड़ेंगे। इन विच सोर्स एंड स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंसेस फ्रॉम द स्लिट। तो फ्रॉनहोफर डायफ्रेक्शन का मैं डायग्राम बनाने लगी हूं। अब ये आपका सोर्स भी इंफिनिटी पे पड़ा है, बहुत दूर पड़ा है, ये आपकी स्लिट है और आपकी स्क्रीन भी बहुत दूर पड़ी है। सोर्स एंड स्क्रीन बोथ आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंसेस फ्रॉम द स्लिट, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं आर्टिकल, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट एंड सिंगल स्लिट। तो साइड बाय साइड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रॉनहोफर डायफ्रेक्शन आल्सो, और साथ साथ ये आपका एक्सपेरिमेंट भी है। लाइक इन इंटरफेरेंस हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया है, डायफ्रेक्शन में डायफ्रेक्शन एट अ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये हमारा, ठीक है, जिसको हम डिटेल में करेंगे, इसकी कंडीशंस निकालेंगे, कब ब्राइट फ्रिंज बनेगा, कब डार्क फ्रिंज बनेगा, कब हमें ब्राइट पैच ऑफ लाइट नजर आएगा, कब डार्क पैच ऑफ लाइट नजर आएगा, ये कंडीशंस अब इसी डेरिवेशन में हमने कर देनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम। सो डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रॉनहोफर डायफ्रेक्शन, वेयर सोर्स एंड स्लिट स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंसेस फ्रॉम द स्लिट। सो टू कन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड, वन टू ऑब्टेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द सोर्स, क्योंकि वो इंफिनिटी पे पड़ा है, तो अगर हम चाहते हैं कि वहां से पैरेलल बीम आए तो एक कन्वेक्स लेंस यहाँ पे यूज करेंगे जिसको कॉलिमेटिंग लेंस बोलेंगे, और एक और लेंस हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा स्क्रीन के पास टू ऑब्टेन द इमेज, जिसको हम फोकसिंग लेंस बोलेंगे, ठीक है। तो दो लेंसेज हमें यूज करने पड़ते हैं, कॉलिमेटिंग लेंस टू गिव आउट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एंड वन मोर लेंस वी विल बी यूजिंग हियर व्हिच इज कॉल्ड फोकसिंग लेंस। अब सोर्स के फोकस पे रखेंगे, सोर्स को फोकस पे रखेंगे इस लेंस के, तो इट विल गिव आउट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इट विल गिव आउट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एंड यू नो दैट फ्रॉम पैरेलल बीम ऑफ लाइट अ प्लेन वेव फ्रंट विल बी इंसिडेंट। वेव फ्रंट कौन सा है? प्लेन वेव फ्रंट विल बी इंसिडेंट ऑन द स्लिट। लेट अस से स्लिट इज ए बी, स्लिट इज ए बी ऑफ साइज स्मॉल डी, स्लिट का साइज है स्मॉल डी। लेट अस से दैट द साइज ऑफ स्लिट इज स्मॉल डी, ठीक है। अब बहुत सारी रेज जा रही हैं, ठीक है, बहुत सारी रेज जा रही हैं। अब हम ऐसे करते हैं, O इज सेंटर ऑफ द स्क्रीन, O जो है स्क्रीन का सेंटर है, तो सम बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस अराउंड द कॉर्नर्स। सपोज द लाइट बेंड्स थ्रू एंगल थीटा, एज वी आर स्टडिंग डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट, सपोज लाइट बेंड्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ दिस स्लिट थ्रू एन एंगल थीटा, एंड बिकॉज ऑफ दैट superposition is taking place and the waves are reaching point P. So when the waves are superimposing at point P, P point पे कोई ना कोई fringe जरूर बना होगा, या तो bright fringe या dark fringe. मतलब अगर constructive superposition हो रही है तो this fringe must be bright. अगर destructive superposition हो रही है then this fringe must be dark. So anyhow, we will discuss both the possibilities. But right now P is the location of any fringe, any patch of लाइट। एक रे बिल्कुल सीधी ले जाएंगे, एक रे बिल्कुल सीधी ले जाएंगे, ये सेंटर से सेम एंगल के थ्रू बेंड करना है आपने, ये तो हम इमेजिन कर रहे हैं, ये डॉटेड लाइन है, बट इसी को बेस रख के
आप पी पॉइंट मार्क करिए। डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ऑफ द स्लिट्स एंड स्क्रीन इज अगेन कैपिटल डी, जैसे हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इसको कैपिटल डी लिया था, हेयर ऑल्सो वी आर टेकिंग इट टू बी कैपिटल डी, राइट। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ डायफ्रेक्शन एट अ सिंगल स्लिट। नाउ यू कैन इजिली सी दैट देर इज सम पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव रीचिंग पॉइंट पी फ्रॉम ए एंड टू फ्रॉम बी। ए से जो रेज जा रही है उनका पाथ थोड़ा सा कम लग रहा है इससे, सो लेट अस फाइंड द पाथ डिफरेंस इन दिस केस ऑल्सो। पाथ डिफरेंस कैन बी ड्रॉन बाय ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर हियर, सो लेट्स ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, सो बी एन गिव्स द पाथ डिफरेंस। ये वो पाथ डिफरेंस है एक्स्ट्रा बी एन, दैट इज गिविंग यू द पाथ डिफरेंस। दोनों वेज के पाथ में जो डिफरेंस है वो आप इस बी एन से निकाल सकते हो। फर्दर हाउ वी कैन कैलकुलेट बी एन, अगर ये थीटा है तो यू कैन इजीली प्रूव ये भी परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ये एंगल भी थीटा है। सो इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एन लेट अस यूज साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बी एन ओवर ए बी, सो बी एन इज ए बी साइन थीटा, बी एन इज डी साइन थीटा, ए बी इज साइज ऑफ द स्लिट। तो हमने पाथ डिफरेंस निकाल लिया, बी एन इज द पाथ डिफरेंस। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग इंटरफेरेंस के टाइम पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पाथ डिफरेंस निकालना कितना बिग टास्क था हमारे लिए, एस टू पी माइनस एस वन पी इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए देयर वाज अ लॉन्ग लॉन्ग डेरिवेशन, ठीक है। इसमें हमारा पाथ डिफरेंस बस ये साइन थीटा अप्लाई करके ही आ गया, ठीक है। अब हम डिफरेंट कंडीशंस निकालेंगे कि कब ब्राइट फ्रिंज बनेगा कब डार्क फ्रिंज बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाट काइंड ऑफ पैच विल बी फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन के सेंटर में जितनी भी वेव्स हैं वो सारी की सारी कंस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज करेंगी, सो ऑल द कलर्स यू कैन से ऑल द रेज दे विल मीट कंस्ट्रक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। वहां पे कोई बेंडिंग का इफेक्ट नजर नहीं आएगा, so that's why the location of center of the screen will be the location of brightest fringe. yahan pe sabse bright patch of light nazar aayega jisko hum bolte hain central maximum. to note kar lijiye terminology kya hai, this is central maximum. ab diffraction mein bhi hamara pattern banega kaise कि हमें स्क्रीन के सेंटर में बिल्कुल सेंटर में ब्राइट पैच ऑफ लाइट नजर आएगा और साइड पे इंटेंसिटी कम होती जाएगी, साइड्स पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होती जाएगी फ्रिंजेस की, ठीक है। आई शो यू सेंट्रल फ्रिंज सबसे ज्यादा ब्राइट होगा और साइड में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कम होती जाएगी। लेट मी शो यू डायफ्रेक्शन। सो सी ये हमने रेड लेजर ले लिया, ये है डायफ्रेक्शन पैटर्न। सेंट्रल फ्रिंज सबसे ज्यादा ब्राइट है, उससे फिर कम ब्राइट फ्रिंज, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और बीच में ये जो ब्लैक ब्लैक है ये डार्क पैचेस ऑफ लाइट है, ये आपके डार्क पैचेस हैं, ठीक है। डार्क पैचेस ऑफ लाइट है सेंट्रल फ्रिंज जो स्क्रीन के सेंटर पे है सबसे ज्यादा ब्राइट है, आप देख रहे हो। Is that clear? तो ये difference है, biggest difference between diffraction and interference of light. Interference में सारे bright fringes same intensity के होते हैं, but diffraction में intensity of bright fringes goes on falling as we go away from central maximum. Center से जितना दूर जाएंगे intensity bright fringes की कम होती जाएगी, तो center पे सबसे ज्यादा है इसलिए हम उसको बोल रहे हैं central maximum. अब इसके दोनों साइड पे अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आएंगे, पैटर्न जैसे इंटरफेरेंस में बनता है इसमें भी वैसे ही आएगा कि इसकी दोनों साइड पे अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस आएंगे, पर उनके लिए एक स्पेशल नेम दिया गया है डायफ्रेक्शन में, हम उनको बोलेंगे ब्राइट फ्रिंजेस को वी विल से सेकेंडरी मैक्सिमा, डार्क फ्रिंजेस को हम बोलेंगे सेकेंडरी मिनिमा। ये लिख लीजिए टर्मिनोलॉजी साइड पे, इन डायफ्रेक्शन वी विल कॉल ब्राइट फ्रिंजेस
secondary maxima, secondary maxima का नेम देंगे, और डार्क फ्रिंजेस को वी विल कॉल सेकेंडरी मिनिमा, इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी मिनिमा। ये टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं हम। देखिए, डार्क फ्रिंजेस को नेम देंगे सेकेंडरी मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को छोड़ के दोनों साइड पे जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस हैं हम उनको नेम देंगे सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम एंड सो ऑन। और जितने भी दोनों साइड पे डार्क फ्रिंजेस बनेंगे उनको बोलेंगे सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमम, थर्ड सेकेंडरी मिनिमम एंड सो ऑन। ठीक है, देखिए यहां तक क्लियर है आपको, टर्मिनोलॉजी इज क्लियर। अब लेट अस डिराइव द कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा, कि हमारे मिनिमा मतलब डार्क फ्रिंजेस कब कब बनेंगे, उसकी कंडीशन क्या है। जैसे हमने इंटरफेरेंस में कंडीशन निकाली थी, वहां थोड़ा डिफिकल्ट था, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे बस हम एग्जाम्पल लेके कर देंगे। तो लेट द साइज ऑफ द स्क्रीन, मतलब जो पार्ट डिफरेंस है, डी साइन थीटा आपका पार्ट डिफरेंस है ना, निकाला आपने बी एन, वो पार्ट डिफरेंस है। लेट डी साइन थीटा इक्वल टू लेमडा, पहले हम इसको वन लेमडा ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये जो स्क्रीन का साइज है ये वेवलेंथ के ऑर्डर का है, लेमडा के ऑर्डर का है, क्योंकि एज पर आर कंडीशन ऑफ डायफ्रेक्शन साइज ऑफ ऑब्स्टेकल शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो अगर हमने लेमडा लिया, वी कैन अज्यूम दैट इट इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट ईच ऑफ लेमडा बाय टू। पार्ट डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी पॉइंट, ये सेंट्रल पॉइंट है सी पॉइंट, इज लेमडा बाय टू एंड बी एंड सी इज ऑल्सो लेमडा बाय टू। तो अगर पार्ट डिफरेंस लेमडा बाय टू है तो फेज डिफरेंस कितना होगा। लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस हमें पता ही है, फाइ इज इक्वल टू टू पाई बाई लेमडा इन टू पार्ट डिफरेंस। तो अगर हमारा पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स जो है वो लेमडा बाय टू है, तो देन आर फेज डिफरेंस इज पाई, फेज डिफरेंस इज 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब आउट ऑफ फेज। ये कौन सी टाइप ऑफ सुपरपोजिशन हो गया, आपने इंटरफेरेंस में कंडीशन की है ना कि अगर फेज डिफरेंस 180 डिग्री है, पाई है, इसका मतलब आउट ऑफ फेज है, ये आपका डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है। सो दैट मीन्स दिस विल बी द लोकेशन ऑफ अ डार्क फ्रिंज। इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम बना है, आपका पहला डार्क फ्रिंज बना है। Then your P is the location of first secondary minimum. इसका मतलब what is the condition for first secondary minimum? This is condition for first secondary minimum. वो क्या है, यही कि d sin theta is lambda, मतलब one lambda. तो ये first secondary minimum की condition आ गई हमारी। देखिए, सिर्फ हमने इसको discuss किया है, हमने डिराइव नहीं किया, सिर्फ डिस्कस किया एक एग्जांपल लेके कि सपोज कर लो कि स्लिट का साइज जो है, पार्ट डिफरेंस है, वो लेमडा के ऑर्डर का है, तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ईच ऑफ लेमडा बाय टू। बट पार्ट डिफरेंस ऑफ लेमडा बाय टू का मतलब है फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस का मतलब है सुपरपोजिशन विल बी डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का मतलब है कि ये डार्क फ्रिंज की लोकेशन है, और डार्क फ्रिंज का मतलब है ये सेकेंडरी मिनिमम है। कौन सा सेकेंडरी मिनिमम है, ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम। सो वी गेट द कंडीशन फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम दैट पार्ट डिफरेंस शुड बी वन लैम्डा, डी साइन थीटा शुड बी वन लैम्डा। ठीक है, अब सेकेंड सेकेंडरी मिनिमम के लिए अज्यूम कर लेते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। लेट डी साइन थीटा इक्वल टू टू लैम्डा नाउ, लेट डी साइन थीटा इक्वल टू टू लैम्डा नाउ। अब हम ए बी को 2 लेमडा मान लेते हैं, तो इसको अब आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, लेमडा बाय 2, लेमडा बाय 2, लेमडा बाय 2। अब हमने देखा कि ये दोनों पार्ट से कोई वेव्स नहीं आएंगी, मतलब कि ये डिस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज करेंगी जैसे यहाँ पे था, तो ये दो पार्ट्स कोई भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे लाइट की तरफ। सेम वे ये दोनों पार्ट्स भी लाइट की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। दिस विल ऑल्सो बी द लोकेशन ऑफ अ डार्क फ्रिंज।
पर ये नेक्स्ट फ्रिंज है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मिनिमम, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमम. सो दिस विल बी द लोकेशन ऑफ सेकेंड सेकेंडरी मिनिमम. दिस विल बी द लोकेशन ऑफ सेकेंड सेकेंडरी मिनिमम. सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर सेकेंड सेकेंडरी मिनिमम, डी साइन थीटा इज 2 लैम्डा, सो ऑन. वी विल हैव कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमम 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, so on, n lambda. So what is our condition for secondary minima? Condition for secondary minima, d sin theta equal to n lambda. So ye hamari condition, aur aap dekh rahe ho ki ye reverse hai. Path difference equal to n lambda, hamari interference mein bright fringes ki condition aayi thi, yahan pe ye dark fringes ki condition aa rahi hai. ठीक है, हाफ एक्सपेरिमेंट हो गया, हाफ हमारा कल हो जाएगा, कल ये ओवर हो जाएगा. तो पहले यहां तक देख लो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. देखो बच्चे, आपने देखा कि इट्स नॉट सो सिंपल डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट. व्हेन यू विल रीड फ्रॉम द बुक आपको समझ में नहीं आएगा. और प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस, ताकि आपको इंटरफेरेंस अगर आती होगी तभी ये सुपरपोजिशन का मतलब समझ में आएगा. ये कंडीशंस वहां क्या थी और अब क्या आ रही है, तभी आपको साथ साथ कंपैरिजन से आपको माइंड में फिक्स होगा कि व्हाट वी आर डूइंग. अदरवाइज तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है. प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस ऑफ वेव ऑप्टिक्स, ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड डिफरेंट टर्म्स दैट वी आर यूजिंग. वेव फ्रंट क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस, ये क्या टर्म यूज कर रहे हैं, पाथ डिफरेंस क्या है, ये आपको तभी आइडिया होगा जब आप पिछली वीडियोज देख लोगे. प्लीज डू दैट टूडे. कल हमारा वेव ऑप्टिक्स ओवर हो जाएगा, ये एक्सपेरिमेंट ओवर हो जाएगा. ठीक है.